देखिए अभी जो रिक्वायरमेंट चल रहा है ये डी मार्ट का मॉल है, ये कंपनी नहीं है, ये डी मार्ट मॉल में रिक्वायरमेंट रहेगा। तो डी मार्ट मॉल जो है ये गुड़गांव हरियाणा लोकेशन में अभी हमारे पास में वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डी मार्ट कंपनी, जी हाँ डी मार्ट कंपनी अलग होता है, डी मार्ट का मॉल अलग होता है। बेसिकली अगर आपको डी मार्ट मॉल में काम करना है तो ये बेहतरीन है। इसमें क्या है ना, आप लोग का इमीडिएटली ज्वाइनिंग रहेगा, काम भी बहुत ईजी है, काम बहुत ही नॉर्मल्स होगा। राइट नाउ यहाँ पे मैं आपके साथ में जो वैकेंसी का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए, उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। याद ये भी बात रखना है कि ये नौकरी पूरी तरीके से निःशुल्क है और इसमें किसी भी प्रकार का ना तो कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगी और ना ही किसी भी प्रकार का फीस लगेगा। इसके लिए निश्चिंत रहें और जो भी हम आपके साथ में अपडेट शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे आप लोग अच्छे से समझें, उसके बाद में ही आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो आप लोग जॉब्स का डिटेल अच्छे से समझिए, प्रॉपरली अच्छे से समझिए, उसके बाद में आप लोग जॉब्स के लिए कॉन्वीनियंस कर सकते हैं। ये जो है आपका डीमार्ट कंपनी जो है, डीमार्ट मॉल है, सॉरी फॉर गुड़गांव हरियाणा में, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे डीमार्ट मॉल मॉल में रिक्वायरमेंट है। नोट में है, कॉल पिकअप ना होने पर डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे मैसेजेस कर सकते हैं, रिज्यूम और फोटो सेंड करें और दी हुई लोकेशन पर पहुँचे। लेकिन मैं आपको ये सावधानी पूर्वक कह देना चाहता हूँ, ये वैकेंसी हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में या फिर 5 से 6 दिन में क्लोज हो सकती है। राइट, अगर आप 2 दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो मैटर ये नहीं करता कि आप 2 दिन बाद देख रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने कॉल करके कॉन्टेक्ट करके गए हैं कि नहीं गए। बिना कॉन्टेक्ट के कोई ऐसे कैसे जा सकता है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा इंक्लूड कहता रहता हूँ कि आप लोग कॉन्टेक्ट करने के बाद में ही जाना, क्योंकि पहले मत पहुँच जाना। यहाँ पे देखो, वर्क जो है वॉकिंग कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज देना होगा। जैसे कि आप मॉल में जाते होंगे, जैसे मॉल में आपने गए, आप हाफ शर्ट खोज रहे हैं या फिर आप टी शर्ट खोज रहे हैं, आपको टी शर्ट नहीं मिल रहा है उस प्रकार का, तो जो आपका वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होगा उसको बोलिएगा कि, जो सेल्समैन होगा उसको बोलिएगा कि हाँ टी शर्ट कहाँ है बताओ, तो वो आपको दिखाएगा, दिशा दिखाएगा, वही दिशा दिखाने का काम है। तो यहाँ पे वही काम रहेगा, वॉकिंग कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज देना होगा। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रेशर्स है वो भी कर सकते हैं, मेक श्योर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट को प्रायोरिटी उतना नहीं दी जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस उसको पहले लिया जाएगा, लेकिन फ्रेशर्स को भी लिया जाएगा। बट कम्युनिकेशन स्किल्स सो मस्ट इंपॉर्टेंट, बोलने अच्छा होना चाहिए, बॉडी शेप्स अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। जॉब प्रोफाइल है, कैशियर एंड पैकर का काम होने वाला है। यहाँ पे 12,000 से 13,000 रुपये आपका इन हैंड सैलरी रहेगा 9 घंटे का, प्लस PFESIC प्लस इंसेंटिव, ये सारा कुछ कट वगैरह होकर के आपको जो है PFESIC कट होकर के 13,000 रुपये तक इन हैंड मिलेगा 26 दिन का और 9 घंटे का। एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, टेंथ का मार्कशीट, बैंक पासबुक वाली, एंड लोकेशन है सेक्टर 47 नियर बाई रहेजा मॉल, सुभाष चौक, गुड़गांव। नीडेड कैंडिडेट मितेश सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मितेश सर का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। ऑल राइट, ये जॉब्स पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। वैसे आगे की प्रक्रियाओं को, आगे के प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।